कॉलिशियन, कैसे हो आप लोग? चलो, जीसेट पेपर सॉल्यूशन पहला लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखना है, बाद में ये सेकंड लेक्चर देखना है। जीसेट पेपर की बात कर रहे थे, उसमें जो क्वेश्चन पूछे थे उसके सॉल्यूशन की डिस्कस कर रहे थे। एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी में से ये क्वेश्चन आया है, सिंपल सी ट्रिक है। यदि आपको ट्रिक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, तो पहले तो आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी? ज्यादा। तो आपको फाइंड करना है बॉन्ड ऑर्डर। तो ये सभी मोलेक्यूल दे दिए हूँ, इसका पहले बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या आएगी? ज्यादा। O2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन O2 प्लस के, दो ऑक्सीजन को मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16। लेकिन यहां से प्लस चार्ज दिया हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 15। O2 माइनस, दो ऑक्सीजन के 16 माइनस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। 16 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17। और बाकी बचा O2 माइनस 2, ऑक्सीजन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 16 माइनस 2 है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। अब वो सिंपल ट्रिक थी, यदि आपको पता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तब बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3.0। टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, ये मैंने बुक में लिखवाई थी आपको, टोटल इलेक्ट्रॉन यहां 14 को हम रेफरेंस ले रहे थे, बॉन्ड ऑर्डर 14, टोटल इलेक्ट्रॉन जिसके पास 14 है उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3.0, नाइट्रोजन N2। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आओगे तो 15, 16, 17, 18 ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओ, N2 माइनस करोगे तो नाइट्रोजन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 करना है या मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। तो दो नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3.0। अब राइट हैंड साइड पे जाओ, एक इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन में एक ऐड हुआ, यानी कि यहाँ पे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करना है, तो 3 में से 0.5 डिक्रीज करोगे तो 2.5, फिर एक डिक्रीज करो तो 2.0, फिर 0.5 डिक्रीज करो 1.5 और डिक्रीज करो 1.0। अब चेक कर लो, आपका आंसर आ गया। जिसके पास यहाँ पे टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.0, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.0। यहाँ पे 17, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। यहाँ पे 15 है, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। और वहां पे है 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.0। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आप देखोगे तो आएगा यहाँ पे 2.5 O2 प्लस का, उसके बाद किसका आएगा? O2 का, उसके बाद 1.5 यानी कि O2 माइनस, और लास्ट में आएगा O2 माइनस 2। ये था बॉन्ड ऑर्डर का आंसर। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा O2 प्लस में है 2.5। जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी, एटम नजदीक आ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा तो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, यानी कि O2 प्लस आपका आंसर आएगा। मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी है, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में है? तो आंसर आएगा बी, बी इज करेक्ट आंसर। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ O2 प्लस की सबसे ज्यादा है। तो बॉन्ड, मान लीजिए बॉन्ड लेंथ पूछा होता तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आती? तो बॉन्ड लेंथ में यदि आपको लिखना है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगी डी ऑप्शन की, बॉन्ड लेंथ। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी है तो आंसर आएगा आपके लिए बी, करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था एमओटी में से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलेक्यूल डज नॉट पजेस रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, यानी कि इम्प्रॉपर एक्सिस किसमें प्रेजेंट नहीं है? आपको मैंने टेबल लिखवाया है कौन से मोलेक्यूल, पहले तो सी एन वी, एक तो आएगा सी एन वी पॉइंट ग्रुप,
जिसमें एस एन एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, सी एन वी साल है क्लास के, सी टू वी सी थ्री वी सी फोर वी सी फाइव वी सी सिक्स वी, उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। सी एन एच मान लीजिए या तो डी एन एच ले लो, इसमें एस एन एक्सिस प्रेजेंट होती है। कैसे? सी एन एच यानी कि सी थ्री एच ले लो तो उसमें एस थ्री प्रेजेंट आएगी, ठीक वैसे ही डी थ्री एच लिया होता तो भी एस थ्री एक्सिस आएगी। लास्ट में बचा डी एन डी पॉइंट ग्रुप, इसमें एस टू एन एक्सिस प्रेजेंट है। इन शॉर्ट सिर्फ आपको क्लास पता होना चाहिए था कि सी एन वी क्लास का कोई मोलेक्यूल दिया हुआ है उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। इसका सी एच फोर टेट्राहेड्रल है बहुत सारे, उसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप आप फाइंड करोगे तो ऑर्डर ऑफ क्या आएगा 24, टेट्राहेड्रल का ऑर्डर ऑफ ग्रुप आएगा 24, एच की वैल्यू 24, उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट है, एस फोर एक्सिस प्रेजेंट है उसमें। एस एफ सिक्स, यहाँ पे एस फोर और एस सिक्स दोनों प्रेजेंट है, इसका पॉइंट ग्रुप आप चेक करोगे तो ऑक्टाहेड्रल आएगा। एन एच थ्री, इसका पॉइंट ग्रुप आप चेक करोगे तो सी थ्री वी आएगा, यानी कि यह सी एन वी क्लास का पॉइंट ग्रुप है और सी एन वी में इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, यह बुक में हमने लिखा हुआ है। बी एफ थ्री पॉइंट ग्रुप इसका फाइंड करोगे तो आपको डी थ्री एच मिल जाएगा, इसका मतलब इसमें एस थ्री एक्सिस प्रेजेंट है। तो सिर्फ आपको क्लास पता होना चाहिए था कि ये सारे मोलिक्यूल जो दिए हुए हैं उसमें कौन से क्लास में कौन सा मोलिक्यूल आता है। तो सी एच फोर का आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइंड करोगे 24 आएगा, टेट्राहाइड्रल है। एस एफ फोर वो कौन से ग्रुप में आएगा, ये आएगा सी फोर एच में, सी फोर एच पॉइंट ग्रुप हो जाएगा इसका, सॉरी डी फोर एच हो जाएगा इसका, क्योंकि सी फोर परपेंडिकुलर फोर सी टू एक्सिस प्रेजेंट होगी। यहाँ पे एन एच थ्री सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप है, सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप यानी कि सी एन वी क्लास, उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। बी एफ थ्री इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट है, तो सिर्फ आपको इम्प्रॉपर इसमें नहीं है ये बताना था, डज नॉट पजेस, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी, सी इज करेक्ट आंसर, आपको सी आंसर टिक लगाना था तो यहाँ पे आपका आंसर सी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, एज पर द कॉन्सेप्ट द ग्रुप थियरी, ये तो उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया था कि आपको ग्रुप थियरी के हिसाब से फाइंड करना है, वैसे भी आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। मैंने जब वी ए सी पी आर थियरी पढ़ाई या तो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था जो भी मोलेक्यूल रेगुलर शेप डिजोल्व करता है, रेगुलर शेप किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो। जो मोलेक्यूल में लोन पेयर जीरो होगी रेगुलर शेप इसे कहेंगे, जितनी भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सारी बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गई है, लोन पेयर नहीं है, उसके लिए डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू जीरो। लेकिन कंडीशन एक याद रखनी है, ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम, ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम, सभी सराउंडिंग एटम जो आसपास में जुड़ने वाले हैं वो सभी एटम सेम होने चाहिए, उसके लिए डाइपोल मोमेंट आएगी जीरो। पिरिडीन, पिरिडीन पोलर मोलेक्यूल है, पोलारिटी आ जाएगी, पाई बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, देखो ये पिरिडीन है, यहाँ पे चेक करोगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये मोलेक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर मोलेक्यूल हो जाएगा, ये मोलेक्यूल पोलर। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, नाइट्रोजन की कौन सी इफेक्ट लगेगी, माइनस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पे पिरिडीन क्या हो जाएगा, पोलर मोलेक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर नहीं है। CH3Cl, यहाँ पे देखो ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर भी इसमें क्या है, लोन पेयर भी आप चेक करोगे तो इसमें जीरो ही आएगी, लेकिन यहाँ पे ऑल सराउंडिंग एटम सेम नहीं है। यदि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो sp3 आएगा और यहाँ पे टेट्राहाइड्रल मोलेक्यूल हो जाएगा, ये कौन सा है भाई, ये टेट्राहाइड्रल मोलेक्यूल है। लेकिन एक बात देखो, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट चेक करने के लिए पहले तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू जीरो है तो नॉन पोलर है, म्यू इज डज नॉट इक्वल टू जीरो तो पोलर मोलेक्यूल है। डाइपोल मोमेंट
में हमने लेक्चर में देखा है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन शो करनी है, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और ये डाइपोल मोमेंट का एरो है, डाइपोल मोमेंट एरो लगा के लास्ट में कट करना है, उसको हम डाइपोल मोमेंट का एरो बोलते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे कार्बन की तरफ आएगा, लेकिन कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन, तो वो बाहर की डायरेक्शन में खींचेगा, यानी कि यहाँ पे आपको क्लोरीन एक डायरेक्शन में बाहर की तरफ खींच रहा है, बाकी के तीन हाइड्रोजन जो वो सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये कंपाउंड पोलर कंपाउंड हो जाएगा। आपको नॉन पोलर फाइंड करना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं है। नाइट्रोइथेन नाइट्रो ग्रुप हाइलो, उसका विड्रॉइंग पावर आपको पता है ना, जीओसी में आप पढ़ा होगे, नाइट्रो ग्रुप इसका विड्रॉइंग पावर जोरदार खतरनाक विड्रॉइंग पावर है। इसका मतलब वो विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि यहाँ पे पोलारिटी जनरेट हो जाएगी, दो पोल जनरेट होंगे। मान लीजिए ये यहाँ पे बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप ने अपनी तरफ खींच लिए, तो यहाँ पे कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे दो पोल जनरेट हुए, इसको लिए इसको बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। ये भी पोलर मोलिक्यूल है। लास्ट में बचा SnCl4। SnCl4 में आप हाइब्रिडाइजेशन VCPR थ्योरी से फाइंड करोगे, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर आर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एक भी नहीं है, कार्बन फैमिली का सेंट्रल एटम है, यानी कि वैलेंस शेल के चार इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम चार, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एक भी नहीं, यानी कि इसकी डाइपोल मोमेंट हो गई जीरो। यदि इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वो नॉन पोलर मोलिक्यूल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा डी, डी इज करेक्ट आंसर। नॉन पोलर मोलिक्यूल के लिए आपको आंसर टिक लगाना था डी। सिंपल था क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट। यस, इसमें भी ग्रुप थियरी से क्वेश्चन पूछा था, आपको मूलिकन सिंबल फाइंड करना था। ऑलरेडी हमने बहुत सारी ये प्रैक्टिस की है, ये C2H पॉइंट ग्रुप है। पहले तो यहाँ से आपको सिमेट्री के एलिमेंट देख के पता चलना चाहिए कि ये कौन सा पॉइंट ग्रुप है। C2H पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछ लिया था, आपको ये टाउ 1 और टाउ 2 दे दिया हुआ है, यानी कि मूलिकन सिंबल यहाँ पे कौन से आएंगे वो फाइंड करना है। तो सिंपल सी इसकी मेथड है, इसके लिए पहले आपको चेक करना है ई आइडेंटिटी, ई ये जो ई है वो आपको डी जनरेसी शो करता है, ई की वैल्यू डायमेंशन शो करता है, डी जनरेसी यानी कि डायमेंशन शो करता है। ई की वैल्यू तीन पॉसिबल है, एक तो 1 आ सकती है, 2 आ सकती है और 3 आ सकती है। यदि 1 है, ई की वैल्यू यदि 1 है, तब या तो ए पॉसिबल है या तो बी पॉसिबल है। ई की वैल्यू 1 है तब कौन सा पॉसिबल है, या तो 1 है तब ए या तो बी। अब ए कब आएगा, मान लीजिए ए और बी वो डिसाइड करना है, वो हम आगे चलकर डिसाइड करेंगे। पहले इतना पता चला कि या तो ए आएगा या तो बी आएगा ई से। फिर आएगा हमें सी एन एक्सिस देखनी है, यदि सी एन एक्सिस ए प्रेजेंट यानी कि प्लस दिया हुआ है और माइनस, दो प्रोबेबिलिटी है, एक प्लस देते हैं और एक माइनस है। यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस दे दिया है, यहाँ पे प्लस। यदि प्लस है, यदि सी एन प्रॉपर एक्सिस, सी टू एक्सिस प्रॉपर है हमारे लिए यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू यदि प्लस है तो उसके लिए आपको लिखना है टर्म ए, मूलिकन टर्म कौन सा आएगा, ए। यदि माइनस है तो यहाँ पे मूलिकन टर्म आएगा उसके लिए बी। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखते जाओ, पहले तो सिंगली डीजनरेट है या तो ए और बी, कन्फर्म ए आएगा वो कहाँ से पता चलेगा, इम्प्रॉपर एक्सिस देखने से, सॉरी प्रॉपर एक्सिस देखने से। प्रॉपर एक्सिस यहाँ पे कौन सी है, प्लस और माइनस, दो प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे माइनस दे दी ना, माइनस का मतलब आपको लेना है बी। यहाँ पे प्रॉपर एक्सिस की वैल्यू क्या दे दी है भैया, प्लस वन, प्लस वन है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा ए, करेक्ट। अब क्या देखना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई। सेंटर ऑफ सिमेट्री आई यदि प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं जिराड मोलेक्यूल। क्या बोलते हैं, जिराड। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट एब्सेंट यानी कि प्लस और माइनस देखना है प्रेजेंट एब्सेंट पे। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट प्लस है तो जिराड आएगा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री आई माइनस दे दिया उसका मतलब नेगेटिव है, तो
तो यहाँ पे एब्सेंट, और सेंटर ऑफ सिमेट्री आई एब्सेंट है तो यहाँ पे आएगा अनजीराड। तो देख लीजिए, फर्स्ट टाउ वन इज इक्वल टू बी ए जी, चलो टाउ वन बी जी, टाउ टू ए यू, यहाँ पे ए जी, यानी कि ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे ई, ये तो ई वैसे भी गलत हो गया क्योंकि ये डब्ली डी जनरेट है, मान लीजिए ई की वैल्यू यहाँ पे दो दी होती ना तभी तो ई पॉसिबल है। ई की वैल्यू यदि दो है तभी डी जनरेसी, डब्ली डी जनरेट कहते हैं उसको, यहाँ पे दो है तभी डब्ली डी जनरेट, तीन है तो ट्रिपली डी जनरेट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए वन है इसका मतलब ई ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे भी ई दिया हुआ है, ये भी गलत। चलो ये पहले तीन गलत, तो फोर्थ ही आंसर होगा, चेक कर लो, बी जी टाउ वन यानी कि बी एन जिराड, ए एन जिराड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से आइडेंटिटी ई, आपको ई दे दिया हुआ है इसके मतलब से आप डी जनरेट फाइंड कर सकते हो, सिंगली डी जनरेट, डबली डी जनरेट, ट्रिपली डी जनरेट। सिंगली डी जनरेट है तो आइडेंटिटी ई की वैल्यू वन है, डबली डी जनरेट है तो आइडेंटिटी ई की वैल्यू टू लिखी होगी, ट्रिपली डी जनरेट है तो आइडेंटिटी ई की वैल्यू थ्री लिखी होगी। यहाँ पे सिंगली डिजनरेट यानी कि ए और बी पॉसिबल है, उसके टर्म ए और बी। अब कंफर्म ए आएगा वो कहाँ से पता चलेगा, तो सी एन प्रॉपर एक्सिस देखो, यदि प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट है तो ए, प्रॉपर एक्सिस एब्सेंट है यानी कि नेगेटिव है तो आपको लिखना है बी। यहाँ पे प्रॉपर एक्सिस क्या है, एब्सेंट है यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो बी लिखा, पॉजिटिव है तो हमने ए लिखा। फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है यानी कि प्लस है तो जीराड, माइनस है तो अनजीराड, तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम पजेस नो प्लेन एंड नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसी ऐसा कोई मॉलिक्यूल यहां से बताओ जिसमें एक्सिस भी नहीं होनी चाहिए और क्या प्लेन भी एब्सेंट होना चाहिए, दोनों एब्सेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है आपको, सॉलिड स्टेट प्लस सिमेट्री, सॉलिड स्टेट और सिमेट्री में से दोनों में से क्वेश्चन पूछ लिया है। पहले तो ये जो सारे आपको मॉलिक्यूल दे दिए हुए हैं वो सॉलिड स्टेट में, आपने सेवन क्रिस्टल सिस्टम वो ट्रिक थी ना सिटी और एचएमटी वाली, वहां पे आपने ये सारे के सारे मॉलिक्यूल पढ़े होंगे। सिमेट्री पॉइंट ग्रुप निकालना है सभी का, वैसे भी पता चल जाएगा। मान लो मैं पहले तो एक क्यूबिक सिस्टम, क्यूब की बात करता हूं, क्यूब में क्या होता है, पहले तो क्यूब, क्यूब की यदि हम डिस्कस करें तो ये क्यूब है, मान लीजिए ये हमने क्यूब ले लिया तो उसमें इसको हम एज लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज लेंथ ए, यहाँ पे एज लेंथ ए, यहाँ पे मान लीजिए ये एज लेंथ बी और यहाँ पे एज लेंथ सी है। तीनों डायरेक्शन में, थ्री डी थर्ड डायमेंशन में आपने NaCl, KCl ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल सिस्टम पड़े हैं तो वहाँ पे आपको इसको एज लेंथ ए बोलते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या है सी, तो ए बी और सी मान लीजिए तीनों सेम है तो ऊपर से आप एक्सिस लगा सकते हो, यानी कि आपको तो क्या फाइंड क्या करना है, एक्सिस नहीं होनी चाहिए। इसका साफ साफ मतलब है एक्सिस एब्सेंट कब हो सकती है, तो कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यदि मान लीजिए ये कंडीशन है तो यहाँ पे तो एक्सिस प्रेजेंट होगी। कब आएगी कंडीशन एक्सिस एब्सेंट वाली, तो कि ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी है तभी आपको एक्सिस प्रेजेंट नहीं मिलेगी। मान लीजिए बी एफ थ्री मोलिक्यूल ले लेते हैं, बी एफ थ्री, यदि हम बी एफ थ्री की बात करें, बी एफ थ्री में आप यदि देखोगे तो सभी बॉन्ड लेंथ क्या होंगे सेम, ये तीनों के तीनों बॉन्ड लेंथ क्या है सेम, तो आप यहां से एक्सिस लगा सकते हो, तीनों रोटेट हो जाएंगे, यहां से तीनों रोटेट हो जाएंगे। कब हो सकते हैं, यहां पे जितनी एज लेंथ ए है उतनी बी होनी चाहिए उतनी ही सी, लेकिन मान लीजिए मैंने कोई ऐसा मोलिक्यूल बना दिया, यहाँ पे ए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, तो यदि यहाँ से आप सी थ्री एक्सिस घुमाओगे तो ये एज लेंथ सबसे ज़्यादा है वो घूमकर यहाँ पे आएगी, ये तो सबसे छोटी है यानी कि एटम की जगह एटम पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन एक्सिस एब्सेंट वाली कंडीशन कब आ सकती है, जब तीनों के तीनों एज लेंथ डिफरेंट हो, तो ए इज इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल टू सी, तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए डिफरेंट। और दूसरी तो भैया प्लेन भी एब्सेंट होना चाहिए, प्लेन एब्सेंट कब हो सकता है, तो यहां पे मान लीजिए आपको प्लेन लगाना है,
बी एफ थ्री है उसमें मान लीजिए प्लेन लगाना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये बॉन्ड एंगल अभी 120 का है, ये बॉन्ड एंगल कितना है 120 का है, ये भी बॉन्ड एंगल 120 का। यदि आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा दिया, आपके सामने ऐसा प्लेन आपने लगा दिया, तो यहाँ तो प्लेन प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि ये बीच में से कट कर जाएगा। ये दोनों साइड दोनों तरफ 120 का बॉन्ड एंगल है, तो प्लेन प्रेजेंट है, तो ये सिमेट्री नहीं चलेगी। तो ऐसा मॉलिक्यूल बनाओ जिसमें अल्फा, तीन जो बॉन्ड एंगल है ना, मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट, तभी आप उसमें से प्लेन प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसमें प्लेन प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, डज नॉट इक्वल टू गामा, डज नॉट इक्वल टू 19, तीनों के तीनों सेम भी नहीं होने चाहिए और 19 भी नहीं है। तो ऐसी एक ही कंडीशन है ट्रायक्लिनिक, सिटी और एचएमटी में सबसे लास्ट में जो आती है, वो ट्रिक थी ना, याद हो तो, सिटी और एचएमटी वो सेवन क्रिस्टल सिस्टम में हमने लिखी थी। तो यहां पे आंसर आएगा आपका बी, करेक्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये वीडियो देख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।